What's up guys, welcome back to another game preview. So guys, आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले पोकेमॉन हार्ट गोल्ड को। तो लास्ट टाइम आप लोग जानते होंगे कि हमारा गोल्ड बैट अरे ज़ू बैट इवॉल्व हो गया था गोल्ड बैट में, और हमने जिम लीडर मॉर्टी को भी बड़ी आसानी से हरा दिया था। तो आज हम लोग थोड़ा घूमेंगे ऐसे, मतलब अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। पर पहले मैं बर्न टावर में इसलिए आया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इधर एक पोकेबॉल देखी थी पर मैंने उसको उठाया नहीं था। तो उसको उठाते देखते तब मैंने किसको भी रॉक स्मैश नहीं सिखाया था इसीलिए, पर अभी सिखा दिया मैंने ऑनिक्स को, तो इसीलिए अब चलते हैं। और ये लोग से तो मैं बैटल कर ही चुका हूँ। तो अरे यार ये क्या हुआ, पोकेमॉन क्यों आ गया? मैंने रिपेल यूज़ तो किया था। ओके इसका 15 लेवल है इसीलिए, और हमारा ऑनिक्स का भी 15 लेवल है। वैसे इसका नाम रॉकी अच्छा रखा है उसने। अभी हम लोग अपने कौन से कोई भी पोकेमॉन को निकाल लेते क्योंकि ऑनिक्स का ही अभी लेवल कम है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लेवल अप नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे पोकेमॉन्स आसानी से सारे जिम को हरा दे रहे, तो थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं आ रही है। तो इसीलिए अब थोड़ा मुश्किल होए, थोड़ा चैलेंजिंग होए, तो इसीलिए। और मैं इतना घूम के क्यों आया वैसे, इधर से रास्ता है क्या? ओके नहीं है, चलो अच्छी बात है हम लोग आ गए। तो अब चलते हैं बाहर। और थैंक यू यार मेरे 200 सब्सक्राइबर करने के, वैसे 2-3 दिन पहले ही हो गया था पर अभी मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। और तुम लोग ने पता है 100, अरे एक हफ्ते में 100 सब्सक्राइबर किए, तो यार थैंक यू यार, तुम लोग काफ़ी कमाल के हो। पर मैं चाह रहा हूँ कि अब 500 सब्सक्राइबर हो एक हफ्ते में। हाँ मुश्किल है, अभी 200 तो है, बस 300 और कर दो एक हफ्ते में, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा पर कर दो यार। मतलब आज जैसे कि अगले संडे तक तो हो जाना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ऐसा, मतलब अच्छा लगे यार दिल को, तो इसीलिए कर देना। और इधर एक पोकेबॉल है और रूट 42 पे आ गए। शैडो क्लॉ है इधर, ओके शैडो क्लॉ मिल गया, नाइस। तो अच्छा वो इधर कुछ तो होगा आइटम, इसीलिए ऐसे रखा है। भाई तुम्हारा भाई बहुत प्रो है। ओके वेल नहीं हूँ प्रो भाई, कुछ था ही नहीं। और ये क्या है, क्रोटिक सिटी टू मोहागनी सिटी। एक से हमें मोहागनी जाना था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कौन आ गया? अबे तेरी, ओ बॉय सॉरी डैट आई बम्प्ड इनटू यू। अबे मोटे, अभी मेरे को गिरा ही दिया था भाई। साइकिल इतना मस्त आराम से चला रहा हूँ और चलाने नहीं रहा, प्लीज़ डोंट क्राई। एक से हम इतने भी रोते नहीं हैं जो बोल रहे। ओके ऑप्टेन द HM04 भाई, स्ट्रेंथ ही होता है ना शायद। हाँ भाई मतलब कि रोने में काफ़ी फ़ायदा है, अभी अब से तो मैं रोने ही वालों। गाइस तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते। ओके ज़्यादा एक्टिंग हो गई, मतलब कि कर दो यार सब्सक्राइब। और लाइक का टारगेट भी रख देते, 10 लाइक, मैं हमेशा इतना ही रखता हूँ। और मेरे जो एनिमल रिवॉल्व बैटल सिमुलेटर वाला गेम था उसमें 15 लाइक्स आ चुके हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तुम लोग ने कहा था जैसा, मतलब तुम लोग क्या, मैंने ही कहा था कि 15 लाइक जैसे ही होंगे तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो अब डालूंगा मैं। और इधर काफ़ी ट्रेनर्स हैं पर मैं बच बच के जाऊंगा, इन लोग से मैं बाद में भी लड़ सकता हूँ, नहीं तो तुम लोग फालतू में बोर हो जाओगे। पहले पर नीचे वाली पोकेबॉल ले ले, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मैक्स पोशन सही में बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इधर से चलते हैं। ओके नाइस, कुछ नहीं है इधर, और नीचे भी कुछ होगा। अरे यार इधर पूरा घास है, चलो रिपेल तो खरीदा ही था। इधर से नहीं जा सकते, व्हाट वो पोकेबॉल कैसे लें, चलो बाद में देखेंगे। पोकेमॉन ना आए, कौन सा पोकेमॉन है, चलो देख भी लेते इधर कौन से पोकेमॉन मिलते। ओ मिल टैंग, नॉइश 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 मिल टैंक। तो मिल टैंक से तो हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हमें चाहिए नहीं। अगर हमारे पास हेरा क्रॉस नहीं होता ना तो पक्के से मैं बोलता हूँ कि विटनी से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं पहले भी उससे लड़ चुका हूँ और बहुत डिफ़िकल्ट है। पर अपने पास एक फाइटिंग पोकेमॉन है तो डरने की क्या बात। हेरा क्रॉस बहुत फ़ायदे में, शायद डार्क पोकेमॉन भी फाइटिंग और उनसे डरते ना बग से शायद से। हाँ यही होगा, मुझे याद नहीं इतना। और ये कौन है बाबो, व्हाट यू आर होल्डिंग इज
what they call a Pokédex? Yes, yes. Haven't seen one of those in ages. My name is Boba. Booba? ये कौन सा नाम? Okay, ये सफारी जोन चलाता है फ्यूशिया सिटी में जो है. हाँ हमें पता है सफारी जोन, पर ये चलाता है. अब एंटरटेन करता है. कमिंग आउट आई डिसाइडेड टू गो ओवरसीज टू लर्न द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी एंड ओपन अ स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी जोन इन क्लैनवुड. ये कोई क्लैनवुड ना, सियानवुड था कि क्लैनवुड? शायद सियानवुड में बोल रहा है ये कि कुछ इसको कुछ और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ खोलेगा कुछ तो सफारी जोन की तरह. तो देखेंगे, हम ज़रूर आएंगे. पर इसका नंबर ले लेते, काफ़ी काम आएगा. बोबा बोबा बोबा, क्या नाम है? बोबा. और इधर मिल्टैंग है, देखते इधर क्या है. वो इधर एप्रिकॉन्स भी है. यार मेरे को कट से लेना है पॉकीबॉल, पर अभी मैं जाऊँ कैसे? मेरे को जाना नहीं फालतू में इतना मेहनत करके. तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हमें फ्लाई मिलेगा तभी उड़ के चले चलेंगे. मैं पहले भी ऐसे ही करता था पोकेमोन क्रिस्टल में. और ये है क्या? ओके, माई मिल्टैंग एंड गिव मी मिल्क मोस्ट. ओके, इसकी मिल्टैंग अभी मिल्क नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों. और ओके, इनका मिल्क ये कैंटो तक भी जाता है, तो ये कह रही हैं. और इधर क्या है? अरे एक ही मिल्टैंग और दो बहनें हैं साथ में. यार मैं जब भी सोचता हूँ इधर आइटम होगा, हो रहता ही नहीं. मिल्टैंग मू, इट्स क्राई इज वीक, गिव एन ऑरेंज बेरी. ओके दे देते, हमारा दिल बहुत बड़ा है, ले लो एप्रिकॉन. अरे एप्रिकॉन क्यों बोला, ऑरेंज बेरीज. ओ ये भी लड़की यही बोल रही कि ऑरेंज बेरीज दो. ओके दे रहे. और है क्या अपने पास? होंगे यार, तीन चार तो पड़े थे शायद. ले लो ले लो. ठीक हुई? अबे यार ले और खा. हाय पोकेमोन. ओ हेल्दियर अभी आया, लिटिल हेल्दियर. अरे अभी भी देना है भाई, कितना खाएगी वो, उसका पेट भर गया. अरे हमारे बैरीज चुका देगी. चलो भाई पोकेमोन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है मैं. ओके अब हमारे पास नहीं है तो चलो बाद में आएंगे, तब तक पता लगा वो ठीक भी हो जाए. ओ ये क्या है? अच्छा मैं सोचा कि बाद में ऊपर नहीं जा पाएंगे, चलो अच्छी बात है. ओ TM60 ड्रेन पंच. भाई कितने अच्छे TMs मिल रहे हैं यार अभी, मज़ा आ गया. नाइस नाइस. मिल्टैंक इतने एक चुरा के भाग जा तो इनको क्या ही पता चल गया. अंदर अपनी दूसरी मिल्टैंक को तो देख रहे. और इधर ट्रेनर्स भी, अभी भी ट्रेनर्स आ रहे. मैं सोचा अब दूसरी सिटी आने वाली, पर आ रहे. वो ये लड़ सकता है शायद हमसे. वो बच गए भाई, बहुत ट्रेनर्स है, मतलब हमारा लेवल अब काफ़ी अच्छा हो जाएगा. और ओलिवाइन सिटी, ओलिवाइन सिटी मेरे को. ओ इधर जिम है भाई, जिम में तो मज़ा आएगा. ये कौन है? ओ अपना राइवल. ओके यू अगेन, देयर इज़ नो नीड टू बी अलर्ट, आई डोंट बॉदर विथ विम्स लाइक यू. स्कीपिंग ऑफ वीकली द सिटी जिम लीडर इजंट हियर एंड ही सपोजली टेकिंग केयर ऑफ सिक पोकेमोन एट द लाइट हाउस. बू हू, जस्ट लेट सिक पोकेमोन गो. अ पोकेमोन दैट कांट बैटल इज वर्थलेस. व्हाई डोंट यू गो ट्रेन एट द लाइट हाउस? हू नोज, इट मे मेक यू अ बिट ऑफ अ ट्रेनर. पहली बात, पोकेमोन के लिए उनके ट्रेनर्स हमेशा, उनके ट्रेनर्स क्या चाहे किसके लिए भी पोकेमोन का. अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. अरे इधर सही में जिम लीडर नहीं है. मैं सोचा कि देख लेते, क्या पता झूठ बोल रहा हूँ. हमारा राइवल है, जलता भी है, हम लोग हराते रहते इसलिए. ओके इससे भी बात कर लेते. हाँ ये भी यही कह रहा है. और वो जो कहा कि ये पोकेमोन जो बैटल नहीं कर सकते वो बेकार है, ऐसा नहीं है भाई. पोकेमोन जान होती है, इसीलिए ऐश को तो देखे ही हो भाई, कितना प्यार करते हैं अपने पोकेमोन से. हालांकि वो अब तक प्राइमेप को लाया नहीं है, पर वो कुछ अलग बात है. ओलिवाइन लाइट हाउस. ओके लाइट हाउस, इसको ग्लिटर हाउस से भी कहा जाता है. तो चलते इधर ही. वो यार इधर भी बैटल होगी क्या? कम ऑन यार, बस हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, बैटल होंगी. और अभी अंदर चलते हैं हम लोग फिर से. फिर से क्या बोल रहे हो? लाइट हाउस एलिवेटर गोइंग अप टू द लाइट रूम. भाई लिफ्ट है तो उधर सीढ़ी क्यों लगाए? कौन बेवकूफ होगा जो सीढ़ी से जाएगा? यू आर अराइव्ड एट द लाइट हाउस. इधर तो फ्लोर्स भी नहीं थे, लगता है एक बार में हम लोग टॉप पे पहुंच गए. ओ कितना मस्त लग रहा है लाइट हाउस.
इधर आइटम है एश फाउंड अ सुपर पोशन। हाइपर पोशन देना चाहिए, आप सुपर पोशन क्यों दे रहे। चलो आप दरवाज़ा खोलो। ए खोलो, वेट व्हाट, दरवाज़ा बंद है। ओके मतलब मैं ही बेवकूफ़ होने वाला हूँ जो सीढ़ी से जाने वाला हूँ। नाइस नाइस, अब फिर से नीचे जाओ, यही तो काम बचा है। मतलब उससे बात करना है, वो खोल नहीं सकती मैं, और मैं भी उसको हाथ हिला के बोल नहीं सकता अरे खोल दरवाज़ा, क्या हुआ। तो इधर ट्रेनर्स है, अरे मत देख, उधर देख, वो देख। ओके हम लोग आ चुके। अरे ये अंकल जी, अरे उधर देख लो, अरे अंकल जी उधर देखो, अब एक गधा इधर ही देखेगा। चलो अंकल जी बैटल करना है। मैं नहीं पढ़ना चाहता इनका, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। वो चैलेंज बाय, ओके जेंटलमैन के पास नॉक टाउल है यार। नॉक टाउल देख के मेरा भी मन कर गया नॉक टाउल पकड़ने का, पर छोड़ो। ओके हमने इसको हरा दिया, और सही में यार काफ़ी बैंड बच गई, काफ़ी भाई बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पोंगमॉन्स की वाट लग गई है। ये अंकल जी कितने ताकतवर थे यार, वो ताकतवर थे कि मेरे पोंगमॉन कमज़ोर थे मुझे नहीं पता। पर चलो मैं मतलब कम से कम अपने पोंगमॉन को कर दूंगा यार 25 तक। तो मैं जब भी बोलता हूँ ऐसा कि मैं टारगेट रखता हूँ कि इतने पोंगमॉन तक रखूँगा, तभी मैं थोड़े एक दो पोंगमॉन को कम ही लेवल पे रखता यार, इससे भी बेटर। चलो और मैं ऑनिक्स को इसलिए बाहर रखूँ ताकि ऑनिक्स को वापस बुला के फिर मरीब को चुनूँ, ताकि दोनों का लेवल अप होए। तो नाइस, इसको भी हरा दिए, इसको हराना मुश्किल नहीं था। और मरीब मैं इसीलिए बोला क्योंकि मतलब फ्लैफी बोलना चाहिए, पर वो एक वाटर टाइप था, उसके पास पॉलीवल ये सब पोंगमॉन थे। अरे यार कितने ट्रेनर्स है भाई, अपने पोंगमॉन का काफ़ी अच्छा लेवल अप होगा। एक सेकेंड, इधर दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा है कि खिड़की है, दरवाज़ा लगा। ओ क्या हुआ, ओ अभी यार गिर गए, आई रे पैर में टूट गया भाई, इतनी ऊपर से गिरा ये, इसको लगी नहीं। अरे भाई व्यू देख रहे हो, ओ भाई अरे व्यू छोड़ो यार, व्यू गया तेल लेने, अपने को पॉकेबॉल चाहिए यार, अपने को फ्री की चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, और जब रेयर कैंडी हो तो क्या ही बात हो। चलो अब देख लेते हैं व्यू, भाई मस्त है यार व्यू। तो अब अंदर चलते हैं, वो इधर पॉकेबॉल है, पर यार मैं इसको ऑफलाइन में ले लूँगा क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं इनसे अभी लड़ने का, मूड भी नहीं है मेरा। ओ ये भी दरवाज़ा है क्या, खिड़की है, ओके विंडो ही था। तो चलो सीढ़ी से ऊपर, भाई पैर दर्द करने लग गया यार, कितना चढ़ाओगे, एक तो बैटल भी करेंगे, इधर भी विंडो है, ये तो बैटल करेगा भाई, कर ले अब क्या ही बोले। देखते इसके पोंगमॉन्स कितने पोंगमॉन्स होंगे, एक, चलो एक पोंगमॉन को तो हम लोग आसानी से हरा देंगे, एक पोंगमॉन को हराने में कोई दिक्कत नहीं, और जबकि पॉलीवल हो, मेरा गोल बैट भी इसको हरा सकता है, गोल बैट उल्टा और आसानी से हरा सकता है, पर मैं फ्लैफी को चुनूंगा क्योंकि फ्लैफी का लेवल अप कम है, लेवल कम है, लेवल अप कम क्या है भाई, कभी कभी मैं क्या बोल देता हूँ, पर कुछ अजीब सा भी बोलो तब भी मज़ा ही है अलग ही। पॉलीवल तू तो गया बेटे, रेन डांस क्या, सही में यार मैं चाह रहा हूँ कि अगले संडे तक, मतलब ये जो संडे आएगा तो उसके अगले संडे तक मैं चाह रहा हूँ 500 सब्स हो जाए यार, मतलब मज़ा आएगा यार। ओके थंडर शॉक, और एक अटैक में हार जाएगा। अबे वाटर गन कर लो, कर लो, कुछ फाइटिंग अटैक्स नहीं क्या, या पॉलीवॉल भी रख सकता था यार अपनी टीम में, क्वैक्स आयर की जगह अच्छा लगता यार, वाटर स्टोन भी मैं कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता तो सही रहता यार, पर चलो क्वैक्स आयर भी अच्छा है, उल्टा शायद उससे अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारे पास हेराक्रॉस है जो फाइटिंग पहले से ही है, और क्वैक्स आयर का वाटर और ग्राउंड है, बस इसको ग्रास टाइप से ही प्रॉब्लम है, बाकी सबसे ये ताकतवर है, तो अच्छी बात है। भले क्वैक्स आयर मेरे को इतना पसंद नहीं, पर नाइस पोकेमॉन है, उधर पोकेबॉल है, पर यू नो व्हाट मेरे को नहीं लेना, मैं बाद में लूँगा। ओ हम लोग आ चुके हैं लाइट हाउस में, एम्फ्रॉस्ट बीमार है क्या, पैलो इज ब्रीथिंग इज स्लाइड, जैस्मिन दिस पोकेमॉन ऑलवेज केप्ट द सील बट इट सडनली गॉट सिक इज गैस्पिंग फॉर एयर, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वंडरफुल फार्मेसी इन साइनवुड बट दैट अक्रॉस द सी एंड आई कांट लीव एम्फी। ओके अब खोल लिया भाई, अभी खोल ले,
पहले नहीं खोल सकती थी। मे आई आस्क यू टू गेट सम मेडिसिन फॉर मी प्लीज़, ओके प्लीज़ बोली यार बेचारी लड़की ने। तो ऐसा ही अच्छा लगता है जब कोई प्लीज़ बोलता है ना, तभी अच्छा लगता है। तो मैं अभी इधर फालतू में ही आ गया, मैं डायरेक्ट उधर ही चला जाता बाद में, उधर से मेडिसिन लेके आ जाता। चलो नाइस, अपने पास वैसे सर्फ है ना, और मेरे को पता है कि साइनवुड कहाँ है, तो तब भी एक बार देख लूँगा मैप। और अगर जिन लोग को नहीं पता तो उन लोग के लिए बता दूँगा कि कहाँ है। इधर से काफ़ी पुरानी यादें हैं मेरी, काफ़ी मज़ा आता था इधर से। इधर से कहीं तो शिप भी जाती है जहाँ से हम लोग शायद कैंटो नहीं हाँ कहीं तो जा सकते थे, मेरे को याद नहीं इतना। हाँ शायद कैंटो ही था। तो चलो अभी पहले मैप देखते, मैप कहाँ है। हो ये है, वो देख सकते हो मेरे इधर एंटे, और ये कौन है, स्वीकून है ना शायद, हाँ कोई होगा। एंटे पता है मैं जब ट्रेनिंग करता था उधर मोटी के जिम तरफ, तब काफ़ी एंटे बार बार मेरे सामने दिखा था। मैं सोचा पकड़ने का पर वो भाग जाता था, तो मतलब अपने को उसको कैसे तो पकड़ना होगा, पर अभी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो 40 लेवल का आ रहा था। और वो शायद स्वीकून था क्या, पर स्वीकून तो मेरे को एक बार भी नहीं दिखा, बस एंटे ही दिखा, रायकू भी नहीं दिखा मुझको। तो अपने पोकेमोन को हील करते सुखाए आज के जोड़ कर लेता है। आई होप आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का टारगेट है 10 लाइक्स, तो फटाफट से जाके कंप्लीट करो। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी अमेजिंग होने वाले, बाकी मिलेंगे कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।